भदोही जिले के जिलाधिकारी आरका खौरी का गाजीपुर के लिए तबादला हो गया है। गौरांग राठी को आईएएस अधिकारी के रूप में भदोही जिले की कमान सौंपी गई है। हम आपको जनपद के नवागत जिलाधिकारी गौरांग राठी से जुड़ी बातें और जिले में इसके पूर्व डीएम के रूप में अपनी सेवा दे चुके अधिकारियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। पूरी खबर देखकर जानिए आखिर कौन है गौरांग राठी, जिन्हें योगी सरकार ने भदोही जिले का डीएम बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं शिवांशु दुबे और आप देख रहे हैं भदोही बुलेटिन। 30 जून 1994 में वाराणसी से अलग करके भदोही को एक नया जिला बनाया गया। जनपद सृजन के बाद अब तक 42 आईएएस अधिकारियों की भदोही जिले में तैनाती हो चुकी है। भोलानाथ मिश्रा, आशीष गोयल, विशाख जी, प्रकाश बिंदु, सुरेश कुमार, राजेंद्र प्रसाद जैसे अधिकारियों की भदोही जिले में डीएम के रूप में तैनाती हो चुकी है। 12 फरवरी 2021 से 17 सितंबर 2022 तक आरका खौरी 42वें जिलाधिकारी के रूप में भदोही जिले में डीएम के रूप में रह चुके हैं। 43वें जिलाधिकारी के रूप में गौरांग राठी को भदोही जिले का नया आईएएस अधिकारी नियुक्त किया गया है। गौरांग राठी आईआईटी करने के बाद सिविल सर्विस की तैयारी करके आईएएस अधिकारी बन गए हैं। इसके पहले गौरांग राठी वाराणसी में नगर आयुक्त और अलीगढ़ के विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं। बीते शनिवार की रात योगी सरकार ने भदोही जिले में तैनात आरका खौरी को गाजीपुर का डीएम बनाते हुए गौरांग राठी को भदोही जिले में जिम्मेदारी जिलाधिकारी की सौंपी गई है। आपको बता दें कि गौरांग राठी का नाम तेज तराक आईएएस अधिकारियों में लिया जाता है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।